हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे। कुछ दिन घर पे आराम करने के बाद फिर हम निकल जाते हैं, मैं और मेरा दोस्त उदयपुर के लिए। एकदम सडन प्लान की वजह से हमें आगरा से ट्रेन में टिकट नहीं मिली, तो हमने दिल्ली से चेक करी। दिल्ली से अवेलेबल थी निजामुद्दीन से, तो हमने निजामुद्दीन से ट्रेन पकड़ी। हम लड़के लोगों को क्या ही पैक करना होता है, दो तीन जोड़ी कपड़े डाले, जल्दी से पैक किया, निकल गए निजामुद्दीन, पकड़ी ट्रेन वहाँ से उदयपुर। ट्रेन का ओरिजिन स्टेशन निजामुद्दीन ही था, तो हम जैसे ही वहाँ पहुँचे वहाँ ट्रेन खड़ी हुई थी। हमने बोर्ड किया ट्रेन, 10 मिनट में ट्रेन निकल पड़ी अपने डेस्टिनेशन के लिए। रात हो चुकी थी, हमें भूख लग रही थी, तो नेक्स्ट स्टेशन पड़ा हुआ भरतपुर। भरतपुर में हमने देखा कुछ खाने पीने के लिए कुछ मिला ही नहीं, और देखते ही देखते हम पहुँच गए उदयपुर। करीब 10 से 12 घंटे लगे हमें उदयपुर पहुँचने के लिए। हम प्रॉपर उदयपुर स्टेशन पर नहीं उतरे, उसके एक दो स्टेशन पहले राणा प्रताप नगर था, वहाँ उतरे, क्योंकि वहाँ से हमारा होटल पास में था। सुबह करीब 5-6 बजे हम पहुँचे थे उदयपुर, तो सुबह उठ के चाय तो पीना मैंडेटरी है भाई, इंडियंस हैं, चाय तो ज़रूरी है, चाय तो चाहिए, वहाँ चाय पी हमने। बकरी के दूध की चाय कि भैंस के दूध की चाय? बकरी के दूध है बनती है, तो ये तो पूछ रहा हूँ, गाय का दूध? अभी पहले वाला दूध है, शायद नहीं। चाय पीने का अजीब सा स्वाद लगा मेरे दोस्त को, तो उसने मजाक किया दुकान वाले से कि भाई गाय की दूध की चाय है, बकरी के दूध की चाय है। करीब आधे घंटे मजाक करने के बाद 7 बज चुके थे। चाय पीने के बाद बाहर आए, बाहर आके ऑटो पकड़ा, ऑटो से सीधे होटल, और बेटा कैसा लग रहा है उदयपुर आके? वैसे तो इतना बोल रहा था व्लॉग में, आके क्या हो गया? फाइनली वी हैव रीच उदयपुर, यहाँ से जा रहे हैं ऑटो से होटल तक। और ये बैठा हमारा शेरू। बोल ले बेटा। सुबह सुबह सूरज भगवान के भी दर्शन हो गए, कितना प्यारा सनराइज हो रहा था। स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर था हमारा होटल, वहाँ करीब आधा घंटा लगा, और देखते ही देखते हम अपने होटल पहुँच गए। होटल पहुँच के ब्रेकफास्ट टाइम करीब 9 बजे का था, तो भूख लग रही थी, तो रास्ते में हमने कचौड़ी पोहा खरीद लिया था, वो होटल पहुँच के हमने खाया। सो दिस इज अवर स्टे फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। देखिए छोटा सा रूम टूर। उदयपुर में हमारा एक दोस्त रहता है, उसने अपनी गाड़ी दे दी हमें घूमने के लिए कि लो जाओ जियो अपनी जिंदगी घूमो। तो हम लेक साइड घूमने आ गए थे, फतेह सागर लेक, रानी रोड, वहाँ गेड़ी मारी, थोड़ा एक्सप्लोर किया उदयपुर, फिर चले गए वापस होटल। थोड़ा बहुत घूमने घामने के बाद हम होटल में आके सो गए, क्योंकि रात भर ट्रेन की जर्नी में थक गए थे, ट्रेन में इतनी नींद आती नहीं है, तो आकर सो गए। सोकर उठ के रेडियो के निकल गए हम एक्सप्लोर करने उदयपुर को। उदयपुर आकर घूमने आए थे, होटल में सोने नहीं, पर हमने ज़्यादातर उदयपुर हम सोए। भूख भी लग रही थी, शाम हो चुकी थी, तो हमने वहाँ पास में JFC कॉर्नर था, मस्त पॉपुलर शॉप है वहाँ की, ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए, तो वहाँ हमने दाल बाटी खाई, बड़ी टेस्टी थी। राजस्थान आके दाल बाटी नहीं खाई तो क्या खाया। रास्ते में जाते हुए पानी पूरी का ठेल दिखा, तो उस पे जाके हमने फिर पानी पूरी, भेल पूरी खाई, बड़ी टेस्टी थी।
खाने पीने के बाद हम निकल गए मॉल, पास में एक मॉल था, वहाँ हमने सोचा अब क्या करें, चलो मूवी देखते हैं। तो हमने थोड़ा पहले मॉल एक्सप्लोर किया, फिर टाइम हो गया मूवी का, फिर हमने मूवी देखी। मूवी देखने के बाद फिर हम आ गए लेक पे, लेक पे आके बैठ के, वहाँ लेक पे बैठ के बड़ा सुकून मिलता है। मेरी तो फेवरेट प्लेस बन गई उदयपुर की फतेह सागर लेक, वहाँ जाके बैठो रात में चिल करो, मस्त रिलैक्स सुकून मिलता है। लेक पर रिलैक्स करने के बाद वहाँ थोड़े फ़ोटो वोटो खींचे, फिर आ गए वापस होटल। सो आज का दिन हमारा ऐसा रहा, आज हमने ज़्यादा कुछ खास किया नहीं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।